इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में हम बात करते हैं। तो ये एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है, क्लास 6 का, जो हमारा अतीत है। तो ये 8वां चैप्टर है हमारा। तो ये हम देखते हैं, लोहार की दुकान पर प्रभाकर के बारे में बताया गया है, इसको हम देखेंगे। प्रभाकर लोहार को काम को करते देख रहा था, यानी ये व्यक्ति है प्रभाकर, ये लड़का है, ये लोहार को क्या कर रहा था, काम करते हुए देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी, औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर रहे थे, उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब देख करके बड़ा मज़ेदार लगा। तो यहाँ पर हम देखें कि लोहे के औजार और खेती का क्या कनेक्शन है। जैसे यहाँ पर ये औजार बताए गए हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हसिया है, कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ी है, हसिया है, और संडासी है, ये संडासी है यहाँ पर, संडासी, और ये यहाँ पर हसिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोहे से और क्या क्या चीज़ें हैं वो बनती हैं। तो लोहे के औजार से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, लोहे का प्रयोग है आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आजकल हिस्सा बन गई हैं, और इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग है लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गया था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार के जो हथियार हैं वो भी हम बड़ी संख्या में मिले हैं। महापाषाण की जो कब्रें हम देखते हैं, तो महापाषाण की जो कब्रें हैं उनमें हमें लोहे के औजार और हथियार हैं काफ़ी देखने को मिलते हैं। और लोहे की फाल का इस्तेमाल है वो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग किया था, वो भी हमने देखा था पहले 5वें चैप्टर में। अब कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या हैं, यानी कृषि उत्पादन को अगर देश में बढ़ाना है, या पहले के लोगों ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया था, पहले तो लोहे की फाल का इस्तेमाल किया था ताकि क्या है, अच्छी तरीके से निंदाई गुड़ाई की जा सके और मैदानों को साफ करके वहाँ पर खेती को बढ़ाया जा सके। लेकिन उसके बाद में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया सिंचाई का। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। और इस समय सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई, कुएं बनाए गए, तालाब बनाए गए, कृत्रिम जलाशय हैं यहाँ पर बनाए गए। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी थी, क्योंकि अगर सिंचाई रहेगी तो उत्पादन ज़्यादा होने की संभावना रहेगी, उत्पादन होगा, क्योंकि सिंचाई की वजह से पहले फसल सूख जाती थी, लेकिन अब सिंचाई की व्यवस्था हो गई है तो उत्पादन कृषि का बढ़ जाएगा। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था, क्योंकि लोग हैं राजाओं को कर देते थे तो उनको उत्पादन बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और उसके लिए धन खर्च किया। तो यहाँ पर हम देखें कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए, और धन कहाँ से आएगा, कर, कर से ही यहाँ पर धन आएगा। और वे किसानों, राजा कौन है, राजा किसानों से कर लेते थे, और उत्पादन जो बढ़ाया जाता था, खेती का उत्पादन कृषि से ही संभव था। क्योंकि अगर हमें बात करें कि उत्पादन की जो अनिश्चितता बढ़ी थी, तो उत्पादन की अनिश्चितता घटी किस वजह से, क्योंकि ये सिंचाई से संभव हुआ था ये। और अगर हम बात करें कृषि उत्पादन जो बढ़ा था, तो कृषि उत्पादन बढ़ने की वजह से राजस्व भी राजाओं का बढ़ गया। अब गांव में कौन लोग रहते थे, और गांव में रहने वाले लोगों की अगर बात करें हम, तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। किस तरीके के लोग, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों का बेला वाला था, यानी कि तमिल जो क्षेत्र है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी रहते थे, ऐसे भूस्वामी जिनके पास में ज़्यादा जमीन थी, और साधारण हलवाओं का उणगार था, भूमिहीन मजदूर थे, दास और कड़ेसियार और अधिमयी यहाँ पर कहलाते थे। जो भी तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी थे उनको बेला, साधारण हलवाओं को हम उणगार कहते थे, भूमिहीन मजदूर हैं, दास, कड़ेसियार या फिर अधिमयी उनको कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति है वो ग्राम भोजक कहलाता था। तो यहाँ पर इस वर्ड को हम ध्यान में रख सकते हैं कि ग्राम भोजक कौन था। तो ग्राम भोजक जो व्यक्ति था वो देश का, जो हमारा देश का पहले का था, उसमें देश के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसको हम कहते थे ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक यहाँ पर बने रहते थे, और यानी कि यह पद जो है ग्राम भोजक का पद, ये अनुवांशिक था, यानी कि बाप का पुत्री ही
क्या है, ग्राम भोजक बनता था। तो ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी है ग्राम भोजक होता था, और साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर है काम करते थे। इसके अलावा इनके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण आज राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे, क्योंकि राजा है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रभावशाली थे गांव में, गांव ग्राम भोजक, और ये एक तरीके से वंशानुगत हो गया, अनुवंशिक ही हो गया, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, उसी तरीके से ग्राम भोजक का बेटा ही ग्राम भोजक बनेगा। और इनके पास में पावर ज़्यादा थी, इनके पास जमीन ज़्यादा थी, ज़्यादा जमीन होने की वजह से यह ज़्यादा प्रभावशाली थे गांव में, और गांव में ज़्यादा प्रभावशाली होने की वजह से राजा है वो कर वसूलने का काम भी इन्हीं लोगों को देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी ये लोग करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें हम गृहपति कहते थे। तो गृहपति किन्हें कहते थे, जो बाकी जो कृषक होते थे ग्राम भोजक के अलावा, उनको हम गृहपति कहते थे। इसमें ज़्यादातर छोटे किसान थे, वो गृहपति कहलाते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, इनमें दास कर्मकार भी होते थे, यानी दास के रूप में जो काम करते थे, उनके पास कृषि यानी जमीन नहीं होती थी खेती करने के लिए, तो वो दास के रूप में काम करते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी आजीविका यहाँ पर चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार थे, कुम्हार थे, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी यहाँ पर मिले हैं। अगर प्राचीनतम तमिल रचनाओं की बात करें, हम तमिल की बात कर रहे हैं, तो तमिल का प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं, और इनकी रचना 2300 साल पहले की गई है। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरे, अगर हम मदुरे की बात करें, मदुरे के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था, किया जाता था, यानी ये जो संगम है इनके संगम साहित्य क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि जो मदुरे के कवि थे, मदुरे के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन यहाँ पर किया जाता था। और गांव में रहने वालों वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं, यानी तमिल क्षेत्र में या फिर गांव में रहने वाले जो लोग थे उन तमिल नामों का जिन उल्लेख जो किया गया है संगम साहित्य में, वो संगम साहित्य में बताया गया है कि किन किन नामों का उल्लेख किया गया है और वो लोग गांव में रहते थे। तो इन सभी रचनाओं को क्या है, मदुरे में क्या कवियों के सम्मेलन में संकलन कर दिया गया, इस वजह से इन सारे साहित्य को संगम साहित्य का नाम दे दिया गया, अलग अलग जगह से इनको कलेक्ट किया गया था। नगर की बात करें, नगर क्या कहती है, कहानियां, यात्रा विवरण और मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तो नगरों के बारे में हमें जानकारी कहानियों से मिलती है, उस समय जो लोग यात्रा करते थे उससे हमें नगरों के बारे में जानकारी मिलती है। मूर्ति कला थी उनके बारे में कि भाई कहाँ पर किस तरीके की शिल्प कला थी, किस तरीके की मूर्ति कला थी, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। पुरातत्व के द्वारा भी हमें नगरों के बारे में जानकारी मिलती है कि कहाँ पर किस तरीके के नगर थे। तो जैसे हमने जातक, जातक शब्द सुना है, ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, जातक आम लोगों में ये कहानियां के रूप में प्रचलित थी, जो कहानियां आम लोग आपस में बताते थे सुनाते थे उनको जातक कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है, और यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरीके से धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो जातक मतलब एक तरीके से कहानियां ही हो गई जो लोगों के बीच में प्रचलित थी। तो इसमें एक कहानी बताई गई है और ये जातकों का संकलन है, किसने किया है, बौद्ध भिक्षुओं ने किया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जातकों का संकलन किसने किया है, बौद्ध भिक्षुओं ने किया है। तो एक निर्धन की चतुराई के बारे में कहानी के रूप में बताया गया है कि एक शहर में क्या, एक शहर का था, एक शहर में एक गरीब युवक रहता था, उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में। तो बताते हैं कि मरे चूहे से वो किस तरीके से अमीर बना। उसने इस चूहे को एक सिक्के के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए भेज दिया, क्योंकि एक भोजनालय में बिल्ली रहती थी, और उस चूहे को उसने भोजनालय वाले की बेच दिया, क्योंकि भोजनालय वाले के पास में एक बिल्ली थी, उसको चूहा चाहिए था, तो 1 रुपए में वो चूहे को बेच देता है। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनी और पत्तों से यहाँ पर भर गया। उसका माली इसे साफ करने की बात से परेशान तो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लड़कियां जो लकड़ियां हैं, लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचों से एक एक तिनका चुन करके गेट के पास में इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार है बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा था। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया और इस तरह युवक के पास में कुछ पैसे यहाँ पर हो जाते हैं।
अब इस युवक ने एक और योजना बनाई थी। एक बड़े बर्तन में पानी भर करके वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वालों को 500 लोगों को यहाँ पर पानी पिलाया। खुश होकर के उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। और उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर के उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास में जाकर के कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक कि मेरी बिक न जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए और जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने उस युवक की घास को 1,000 सिक्के में यहाँ पर खरीदा था। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जो व्यक्ति था वो किस तरीके से अमीर बना था, और घोड़े का व्यापारी है शहर में क्यों आया होगा, शहर में उसका कुछ काम होगा, इस घोड़ों से रिलेटेड कुछ काम होगा, इस वजह से आया था। घोड़ों की जरूरत हो सकता है, शहर में हो, कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, या फिर कोई सेना जा रही हो शहर से, तो वहाँ पर घोड़ों की जरूरत हो। क्या महिलाएं कहानी में बताए गए व्यवसाय को अपना सकती हैं? तो ये व्यवसाय है, मतलब कि ये जो व्यवसाय है, क्या मतलब घास काटना फिर बेचना, तो ये व्यवसाय के रूप में भी अपना सकती है अगर वहाँ पर उस चीज़ का इम्पोर्टेंस है। जैसे वहाँ पर ज़्यादा पशु हैं तो उसको एक व्यवसाय का रूप भी दिया जा सकता है। तो प्राचीन नगरों के जीवन में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है, शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी कहानियों, जो घटनाएं हैं उनको मूर्तिकार है कलात्मक ढंग से उभरते थे। मूर्तिकार शहरों के जीवन को बताते थे, उस समय जीवन कैसा था, उस समय जीवन की घटनाओं को मूर्तिकार है कलात्मक रूप से दर्शाते हैं। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों पर या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ये जो बताया गया है, ये सांची का स्तूप बताया गया है। तो सांची की मूर्ति कला का स्तूप बताया गया है, जिसमें मूर्ति हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये सांची की मूर्ति कला का स्तूप यहाँ पर। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है, और यह कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसमें शहर के जीवन का एक पूरा दृश्य बताया गया है। और यहाँ पर इन दीवारों को हम देख सकते हैं, क्या वे ईंट की बनी हुई हैं? अगर दीवारों की बात करें तो ये दीवार है, हम देख सकते हैं कि ये क्या ईंट की बनी हुई है या फिर लकड़ी की बनी हुई है या पत्थर से बनी हुई है। क्या इनकी रेलिंग लकड़ी की बनी हुई है? क्या इन इमारतों की छतों का हम वर्णन कर सकते हैं कि इमारतें की छत कैसे होगी? तो यहाँ पर हम बात करें कि ये भी दिया हुआ है, दिल्ली में मिला एक बलय कूप है। बलय कूप में क्या बताया गया है? हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से कैसे भिन्न है? अब बलय कूप में किस तरीके से नल जल निकलेगा वो यहाँ पर बताया गया है। ये बलय कूप है, यहाँ से ये अलग से जल निकलेगा, जल निकल के जहाँ भी जाएगा। हड़प्पा में जल निकास की जो क्या है गलियाँ मिली हैं। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं महाजनपदों की राजधानी थी उनके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। तो यहाँ पर हम देखें अनेक शहरों में बलय कूप मिले हैं। ये बलय कूप हैं वो गुसल खाने, नाले या कूड़ेदान के लिए यहाँ पर ये बलय कूप है प्रयुक्त होते थे। कूड़ेदान के रूप में बलय कूप का इस्तेमाल हो सकता है, नाली के रूप में बलय कूप का इस्तेमाल, बलय कूप का इस्तेमाल हो सकता है, यानी गोल गोल कूप होते थे। और ये बलय कूप है लोगों के घरों में ही होते थे। हम बात करें महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होते हो सकते हैं, इसके कारण से ये ज़्यादा समय तक टिकने पाए। और भविष्य में पुरातत्व इनकी खोज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कि पुरातत्व आगे क्या खोज कर पाते हैं इनके बारे में। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों और यात्रियों के विवरण से भी पता लगा सकते हैं। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण है किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। तो यहाँ पर वो जिन जिन जगहों पर गया था उनके बारे में उनका विवरण दिया गया है। तो ये यहाँ पर बात कर सकते हैं, बहरूच का यूनानी नाम है, बहरूच का यूनानी नाम की कहानी है, यानी बेरुगाजा है। तो ये बहरूच का यूनानी नाम है बेरुगाजा, उसकी कहानी यहाँ पर दी गई है। तो वो कहाँ कहाँ पर गया है उसके बारे में बताया गया है, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। बहरूच की बात कर सकते हैं कि जो बहरूच है, तो बहरूच के बारे में बताया गया है कि ये बैरीगाजा है, इसकी कहानी बताई गई है। बैरीगाजा की सक्री खाड़ी है, उसमें समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। तो ये बहरूच की सकरी खाड़ी थी समुद्र में, वहां पर नाव चलाना बहुत मुश्किल होता था।
राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही वहां पर जहाज ला सकते थे। और तो वेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी है विशेष उपहार लाते थे, इसमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कमले कपड़े हैं यहाँ पर शामिल होते थे। तो बेरुगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बता सकते हैं कि क्या वहाँ से आयात होता था। तो आयात की अगर बात करें तो शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंजा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी है वहाँ से आयात होता था। अगर निर्यात की बात करें तो हिमालय की जड़ी बूटियाँ हैं, हाथी दांत हैं, गोमेद है, कार्निलियन, सूती कपड़ा और रेशम और इत्र है यहाँ पर निर्यात होता था। अभी हम आहत सिक्कों के बारे में बात कर सकते हैं। आहत सिक्के क्या है? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार गोलाकार भी होते हैं और ये या तो धातु की चादर को काट करके धातु के चपटे गोले का बनाए जाते हैं या इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था बल्कि इन पर कुछ चिन्ह है वो ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। तो इनको आहत सिक्के क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पर जो कुछ भी तो लिखा हुआ नहीं था और इन पर सिर्फ चिन्ह बनाए जाते थे, वो ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए इनको क्या बोला गया है? आहत सिक्के बोला गया है। बल्कि इन पर कुछ चिन्ह यहाँ पर जैसे कि लेकिन आहत सिक्के ये कहलाए हैं। तो ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए हैं। ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं। अब सिक्कों की बात करें, किस तरह के सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया? पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले हैं और इनका चित्र यहाँ पर ये आहत सिक्के दिखाए गए हैं किस तरीके से होते हैं आहत सिक्के। सोने और चांदी के सिक्कों पर भिन्न आकृतियों के आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का यहाँ पर कहा जाता था। तो सोने और चांदी के सिक्कों पर हम क्या करते थे, अलग अलग आकृति को क्या करते थे, आहत करते थे यानी ठप्पा मार देते थे और ठप्पा मारने की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, आहत सिक्का कहते हैं। अब यह विनिमय के अन्य साधन यानी व्यापार के अन्य कौन कौन से साधन उस समय हुआ करते थे? तो संगम साहित्य की छोटी सी कविता को हम पढ़ करके बता सकते हैं कि विनिमय के कौन कौन से साधन थे। जैसे कि खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते हैं, चांदनी सी सफेद रेत है, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। क्योंकि शहरों से क्या है, नमक के सौदागर चले जाते हैं, नमक लेकर के चले जाते हैं। तो समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होता था। तो व्यापारी लोग हैं किस चीज़ का ज़्यादातर व्यापार करते थे, जैसे कि यहाँ पर इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि वो नमक का व्यापार कर रहे हैं, सोने चांदी का उत्पादन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। किस तरह से वो यात्रा कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं, जैसे कि किसी गाड़ियों से जा रहे हैं, अगर यहाँ पर गाड़ियों पर लाते जा रहे हैं तो गाड़ियों से जा रहे हैं। तो इस तरीके से यात्रा का साधन क्या हो गया, गाड़ियों हो गया, समुद्री तरह रास्ते से भी वो यात्रा कर सकते हैं। नगर की बात करें, अनेक गतिविधियों के केंद्र के रूप में नगर प्रतिष्ठित हुआ है। जैसे कि अक्सर कई कारणों से ये नगर हमारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे मथुरा की बात करें, मथुरा जो नगर है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण हुआ है, लगभग 2500 साल से ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है मथुरा, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो यहाँ पर मुख्य रास्ते थे मथुरा में। इसमें से एक रास्ता जो है, एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर था और दूसरा रास्ता है उत्तर दक्षिण की ओर यहाँ पर जाने वाला था। और शहर के चारों ओर किलोबंदी यहाँ पर किलाबंदी की गई थी मथुरा में। इसमें अनेक मंदिर थे, आसपास के किसान पशुपालक शहरों में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा जो है वो बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र यहाँ पर था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाण की दूसरी राजधानी बनी, ये कुषाण जो लोग थे कुषाणों की ये दूसरी राजधानी बनी थी मथुरा 2000 साल पहले। और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी मथुरा में है और यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। मथुरा में क्या है, प्रस्तर खंड और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख यहाँ पर मथुरा में मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्री और पुरुषों के द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं और प्राय शहर के राजा या रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए बात करें, मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों और माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों को भी मथुरा में अभिलेख मिलते हैं। अगर शिल्प और शिल्पकार की बात करें तो यहाँ पर एक बात करते हैं, NBPW क्या है, ये उत्तरी काले चमके पात्र हैं। NBPW यह एक कठोक
कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला और चमकदार काली सतह वाले ये पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की क्या है बाहरी सतह काली हो जाती थी और इस प्रकार एक पतली काली लेप भी यहाँ पर लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक यहाँ पर प्रदान करती थी। इसको हम कहते हैं उत्तरी काली चमके पात्र। शिल्प और शिल्पकार की अगर हम बात करें तो पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ही मिलते थे। ध्यान रहे हमें कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष यहाँ पर नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी है, दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष यहाँ पर दोनों ही काम करते थे, लेकिन उनके अवशेष हो सकता है नहीं बचे हों। अनेक शिल्पकार और व्यापारी है अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें यहाँ पर श्रेणी कहते थे। तो श्रेणी किसे कहते थे? अनेक जो शिल्पकार हैं जो व्यापारी हैं अपने अपने संघ बनाते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का यहाँ पर वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ हैं वो व्यापार का संचालन करती थी। जो भी यहाँ पर व्यापारियों की श्रेणियाँ थी वो व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया करते थे। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को यहाँ पर लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूत कातने और बुनने के अगर हम नियम की बात करें तो सूत कातने और बुनने के क्या नियम हो सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर ये जो नियम है ये अर्थशास्त्र के नियम है, सूत कातने और बुनने के नियम है। तो वहाँ पर अर्थशास्त्र में बताया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई यहाँ पर की जाती थी। और ऊन और पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के लिए काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिक्षुओं, वृद्धावस्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाएं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को भी यहाँ पर लगाया जाता था। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार यहाँ पर पारिश्रमिक दिया जाता था। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी वे अपनी दासियों को बेच करके कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ही ले जाना पड़ता था और जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए यहाँ पर रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत से अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा, इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। इस तरीके के नियम थे। उन महिलाओं की सूची बना सकते हैं जो निरीक्षक नियुक्त कर सकता था, जिन्हें निरीक्षक यहाँ पर नियुक्त कर सकता था उन महिलाओं की सूची बना सकते हैं। क्या काम करने के दौरान महिलाओं की मुश्किलें यहाँ पर झेलनी पड़ती थी तो ये भी हम बात कर सकते हैं, मुश्किलें तो झेलनी पड़ रही थी यहाँ पर। सूक्ष्म निरीक्षण की बात करें अरिका मेडू पांडिचेरी में है ये, तो पांडिचेरी हम देख सकते हैं, पांडिचेरी को ही बोला गया है अरिका मेडू। तो यहाँ पर रोम के बारे में भी हम देखेंगे आगे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पतन था जहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। पतन मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं जहाँ पर जहाज रुकते थे उसको हम बोलते हैं पतन। तो यहाँ पर दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब और तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे और इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं और साथ ही यहाँ पर एरेटाइन जैसी मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी हमें मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है और इसे मोहर लगे सांचे पर यहाँ पर गीली चिकनी मिट्टी का दबा करके बनाया गया है। तो इसी मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके यहाँ पर लगाया गया है। और कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए गए थे। तो यहाँ पर रोमन लेप और शीशों के बर्तन और रत्न भी यहाँ पर मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे।
यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य हमें मिले हैं। तो ये सब रोम के साथ हमारे भारत के संबंधों को दर्शाते हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई मिट्टियों बर्तनों पर ब्रह्म लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा में इसी लिपि का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे तमिल ब्रह्मी अभिलेख भी यहाँ पर कहा जाता है। और इधर हम देख सकते हैं, रोम की अगर बात करें तो यूरोप का सबसे बड़े पुराने शहरों में से एक है रोम, और इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदानों के शहर यहाँ पर बस रहे थे। रोम एक बहुत ही साम्राज्य के बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था रोम। ये एक्वाडक्ट हम देख सकते हैं, एक्वाडक्ट का कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं किस तरीके का है। तो यह जो रोम है ये एक बड़े साम्राज्य की राजधानी है, और यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक ये साम्राज्य फैला हुआ है। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक था एगस्टस। एगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था, और उसने कहा था कि रोम है वो ईंटों का शहर है, तो ईंटों की ये क्या बनाई गई, दीवार बनाई गई है, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया है। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए हैं। अगस्टस के बड़े बड़े रंगमंडल जो कि एम्पी थिएटर बनवाए थे, इसमें चारों तरफ दर्शकों को बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी, यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानगार भी बनवाया है जहाँ स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे, और जहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी कि एक्डक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फब्बारों और गुसल खानों के लिए यहाँ पर पानी लाया जाता था। तो ये बड़े हुए खुले रंगमंडल यानी कि एमपी थिएटर और जलवायु सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे होंगे, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन अगर मजबूत बनाया गया है तो इनके बचने के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं।